अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम में फाइनल रिवीजन को सबसे बेस्ट बनाना है, सिलेक्शन करना है 100%, तो आज ही लीजिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ ग्रुप में अपने व्हाट्सएप पे 5 मिनट के अंदर। पेपर वन के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट ओनली 99 रुपीज, पेपर टू की भी है ओनली 99 रुपीज। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, तो जल्दी से फोन उठाइए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसे इंस्टा मोजर से भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जून 2023 के शिफ्ट 2 यानी कि इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो जानेंगे कौन से आज प्रश्न आए थे सेकंड शिफ्ट में। सबसे पहले सबसे सटीक आपको मैं यहाँ पे प्रश्न बताने वाला हूँ, आपको मैं साथ में टॉपिक बताऊँगा कि कौन से टॉपिक थे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्न आए थे। देखिए ये वो प्रश्न है जो स्टूडेंट ने बताए थे, ठीक है, ये 99% इसकी एक्यूरेसी है। तो मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको बताया है कि ताकि आप इसे आप इसकी जजमेंट कर सके कि आपको कैसी तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखिए जो वीडियो में बताया गया है, आपको जो प्रश्न बताए गए हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है स्टडी भारत यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे हम डेली एनालिसिस करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए एक और बात, अब देखिए जैसे आपको बताया कि जो पेपर वन है वो सबसे स्कोरिंग पार्ट है, इसके लिए हमने 12 घंटे की मैराथन क्लास अपने चैनल पर बनाई है। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको एक ही वीडियो में इनकी 12 घंटे की एक वीडियो में आपका पेपर वन पूरा कवर हो जाएगा। उसको करने के बाद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अभी डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको ये वीडियो उसमें मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है सबसे बेस्ट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, देखिए शिफ्ट 2 का, देखिए इवनिंग शिफ्ट एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए टीचिंग करेक्टरिस्टिक्स से, मॉडल से यानी कि टीचिंग मॉडल हो गया स्वयं से, इनसे क्वेश्चन आए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन में देखिए अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। उसके बाद देखिए रीजनिंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में देखिए फैलसीज, देखिए यहाँ पे रीजनिंग मैथमेटिकल में आपका परसेंटेज का एवरेज का क्वेश्चन था, लेकिन जो फैलसी हेतुभास है वो यूनिट 6 का है, ये इनकी लॉजिकल रीजनिंग में ही आया था। DI देखिए वही है, अगर आपने परसेंटेज एवरेज रेशियो 3 चैप्टर किए हैं तो DI आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। और देखिए ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, कुछ फुल फॉर्म आई थी। और साथ में PDE यानी कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें देखिए इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जो थी पोल्यूशन था उससे क्वेश्चन था। और साथ में देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम में देखिए यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, यहाँ से क्वेश्चन, एंशियंट यूनिवर्सिटी है जो हमारी स्कीम है एजुकेशन स्कीम, उससे क्वेश्चन आए थे। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए ये टॉपिक आप ध्यान में रखिए, स्वयं का टॉपिक हो गया, ठीक है, ये पहले यूनिट में आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 10वें में आता ही आता है, यह स्कीम्स आती ही हैं, तो आप इनके हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। ये सारे टॉपिक इस मैराथन में कवर हैं। सो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, देखिए देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए, ठीक है, उत्तरदायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यानी कि देखिए देश में क्या है कि जो हमारी अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता है, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय है, वो है NCTE, ठीक है, NCTE। तो इसकी फुल फॉर्म में देखिए यहाँ पे आपको बताया कि NCTE का मतलब क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। सो यहाँ देखिए देश में आपको पता है कि जो अध्यापक के साथ जो अध्यापक होते हैं उनकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको उचित बनाने के लिए NCTE का गठन किया गया है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फॉल्सी ऑफ एम्बिग्विटी। अब देखिए जो फॉल्सी है यानी एम्बिग्विटी के रिगार्डिंग वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पे सिनोनिमस यानी कि पर्याय कथन। यानी कि देखिए जब हमारे पास कोई दो आर्गुमेंट होते हैं एक जैसे जिनके नाम होते हैं लेकिन उनके कई सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ड्यू टू टर्म यूज इन आर्गुमेंट द कन्फ्यूजन प्रिवेलिंग इन द मीनिंग इज इंक्लूडेड इन द फैलेसी। यानी कि देखिए जो हमारे पास आर्गुमेंट है वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है मीनिंग की वजह से, जिनके दो नाम होते हैं, सॉरी एक ही नाम होता है जिसमें उसके दो तीन मीनिंग होते हैं। देयर विल बी मेनली 3 टर्म्स इन सच आर्गुमेंट, मिडल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म। बिकॉज ऑफ द मिडल टर्म साइनोनिमस एंड सेंटेंस डिसेप्शन लाइक डिसजंक्शन आर विजिबल इन एम्बिशियस मीनिंग फैलेसी,
ठीक है, यानी कि देखिए जब एक नाम के दो तीन मतलब निकल आए तो वो एम्बिग्यूटी होती है, फैलसी, तो वो उसका आंसर है सिनोनिमस, यानी कि प्राय कथन। सो देखिए नेक्स्ट है, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इंडिया विल बी प्रमोटेड एज ए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट हेल्पिंग इट टू री एस्टेब्लिश इट्स रोल एज ए डैश विल बी। यानी कि देखिए हमारे देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, तो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्टडी के तौर पे, तो जो अफोर्डेबल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी। तो इससे क्या है, कौन सा री एस्टेब्लिश रोल होगा, वो होगा विश्व गुरु का। यानी कि देखिए इंडिया एक विश्व गुरु बनने जा रहा है। देखिए आपको पता है कि जैसे हमारे पास जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी में देखिए बौद्ध धर्म की पढ़ाई वहाँ पे होती थी, है ना, तो वहाँ पे दुनिया भर के लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे। तो इंडिया पहले विश्व गुरु था, तो अभी क्या है कि इंडिया में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा 10+2 जो फॉर्मेट है उसे रिप्लेस कर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग क्या है 5+3+3+4 सिस्टम इसे अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 10+2 का जो फॉर्मेट था ना पहले, जैसे 10वीं के बाद 11वीं 12वीं, है ना, वो बंद करके अभी 5+3+3 जो सिस्टम +4 सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। सो देखिए यहाँ पे एक फुल फॉर्म आई थी NCIVE, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म थी। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनम एंड इट्स एक्सपेंशन इज मिसमैच इन ICT। अब देखिए ICT में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द है और उसके विस्तार का युग्म असंगत है। यानी कि देखिए यहाँ पे चीज़ दी गई है जो उसके पेयर के अकॉर्डिंग गलत है, मिसमैच है, तो उसका आंसर था यहाँ पे ब्लॉग साथ में वेब लॉजिक। यानी कि जो ब्लॉग और वेब लॉजिक, जो ब्लॉग है और वेब ब्लॉग जो है वो पूर्ण रूप होता है, यानी कि ब्लॉग के साथ क्या आएगा, वेब लॉग। यहाँ पे क्या दिया था, वेब लॉजिक, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे वेब लॉग होता तो वो सही होता। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रिकग्निशन ऑफ ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। अब देखें यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रेगुलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन डिस्कोर्स, यानी कि देखें यहाँ पे कौन सा पार्ट है, यानी कि कौन वो है जो हमारे देश में ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज को जिसके पास अथॉरिटी है। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, देखिए ओपन डिस्टेंस है ना जिससे हम एजुकेशन लेते हैं, तो वह किसके अंडर आता है, किसके पास अथॉरिटी है, तो वो है DEB। ठीक है, DEB है, तो DEB इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रिकग्निशन ऑफ ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि एक डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिश किया गया था UGC का 2021 में। ठीक है, तो डिस्टेंस एजुकेशन का जो है वो इसके अंदर आता है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था, तो यहाँ पे बताया गया था कि विपुल ने एक महिला से कहा कि आपके माता के पति की बहन मेरी आंट है, तो वह महिला विपुल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर था बहन। ठीक है, उसने कहा कि आपकी माता के पति की बहन मेरी आंट है या आंटी है। ठीक है, तो वो क्या है, वो बहन है, आप देख सकते हैं जे यहाँ पे बनाया गया है पूरा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे है, बायोगैस में दूसरी अधिकतम मात्रा किसकी होती है। ठीक है, बायोगैस जो होती है उसमें अधिकतम दूसरी अधिकतम मात्रा किसकी है। ठीक है, पहली है मीथेन की। ठीक है, मीथेन होती है 50-70%। दूसरी है CO2। ठीक है, CO2 होती है, ये 25% होती है तकरीबन, यानि कि कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखिए CBCS का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यानी कि देखिए जब आप किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके पास एक चॉइस CBCS का सिस्टम है कि आप अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं किसी और यूनिवर्सिटी से, तो उसके आपको नंबर भी मिलते हैं, तो वो होती है CBCS। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके हमने बता दिए, तो क्वेश्चन ऐसे लगभग ऐसे ही थे। ठीक है, बाकी तो देखिए क्वेश्चन तभी पता चलेगा जब आपका आंसर शीट आएगा, तभी पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब के थे तो आपको इसमें पता चल जाएगा
कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। सो स्टडी भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी सारी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।